हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी कि किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अब आज हम स्टडी करेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे होते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टल में जो दोष होता है जो कि आपके सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और डिफेक्ट होने से उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट क्या होते हैं उसके, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन आपको करवाते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसी भी एटम्स का, यानी कि उनमें दीर्घ परासरी व्यवस्था अणुओं की या परमाणुओं की जिससे भी बने हों उनकी पाई जाती है। तो क्रिस्टल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आइडियल क्रिस्टल यानी हिंदी में आदर्श क्रिस्टल, और एक होता है अनआइडियल क्रिस्टल यानी अनादर्श क्रिस्टल। तो पहले क्लियर करते हैं कि आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं। कोई भी ऐसे क्रिस्टल जिसमें उसके घटक कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लगने के ढंग से लगे हुए हों, जो भी उनके लगने का तरीका है वो उस पैटर्न को फॉलो करते हों, उनमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हो कि आइडियल क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल यानी पूरे क्रिस्टल में। लेकिन अगर कोई क्रिस्टल ऐसा है जो क्रिस्टल अपने आदर्श व्यवस्था को यानी अपने आइडियल मॉलिक्यूल या एटम के अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करता है, ऐसे ही क्रिस्टल को हम अनादर्श या अनआइडियल क्रिस्टल कहते हैं। और इनमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो लगने का पैटर्न होता है उसमें कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये बीच में वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट स्पेस है, तो इस तरह से कुछ इनमें डिस्टरबेंसेस होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है अनआइडियल क्रिस्टल। अब हम देखते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात करते हैं। तो डिफेक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट जिसको हिंदी में हम बिंदु दोष कहते हैं, दूसरा होता है लीनियर डिफेक्ट जिसको हम हिंदी में रेखीय दोष कहते हैं। तो दिमाग में ये बात आती होगी कि पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष क्या है। तो अगर कभी भी कोई भी क्रिस्टल है, जान लो कोई आयनिक क्रिस्टल है, अगर वो आयन से बना हुआ है या मेटालिक क्रिस्टल है, एटम से बना हुआ है, तो उस क्रिस्टल में जो भी एटम्स या आयन्स लगे हुए हैं, अगर उनमें से कोई एक आयन या कोई भी एक एटम यानी परमाणु अपने प्लेस से कहीं अलग चला जाए, कम हो जाए या निकल जाए, तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर एक छोटा सा रिक्त स्थान बन जाता है जिसको वैकेंट प्लेस कहते हैं, और इस तरह के दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस क्रिस्टल में मान लो ये उसके एटम्स हैं और बीच में एक एटम कम है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बिंदु के बराबर का एक स्थान बन गया है जिसके कारण ये पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब बात करते हैं लीनियर डिफेक्ट की। तो लीनियर डिफेक्ट का नाम है रेखीय दोष। नाम से ही क्लियर है कि यहां भी क्या होगा कि किसी भी क्रिस्टल के बनने में जो भी उसके घटक कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एक पूरी लाइन में ही गायब हो जाएंगे। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ एटम्स के लेयर हैं, उनमें से ये बीच वाली लेयर के एटम्स वैकेंट हैं यानी अपने स्थान पर बैठे हुए नहीं हैं, या इनका ये प्लेस वैकेंट है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर डिफेक्ट, यानी पूरी एक लाइन में ही डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट डिफेक्ट होता है जिसको हम बिंदु दोष कहते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है जिसको हम बिंदु दोष कहते हैं, जिसमें क्रिस्टल में से कोई भी एक एटम या आयन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है, अलग चला जाता है, तो ये तीन तरह का होता है। एक होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हिंदी में स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, इसको भी हिंदी में यही बोलते हैं, और तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको हम अपद्रव्य दोष भी कहते हैं हिंदी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जिन डिफेक्ट्स में क्रिस्टल से नंबर ऑफ एटम्स हटते तो हैं लेकिन क्रिस्टल का जो टोटल प्लस और माइनस चार्ज का रेशियो है, यानी हिंदी में हर एक क्रिस्टल अपने आप में उदासीन होता है, यानी हर क्रिस्टल में जितने प्लस आयन होते हैं उतने ही माइनस आयन होते हैं, यानी जितने कैट आयन होंगे उतने ही एनायन होंगे। तो अगर किसी क्रिस्टल में से
कुछ आयंस अपने प्लेस से चले जाएं, मगर क्रिस्टल में टोटल प्लस और माइनस बराबर बना रहे, जितने प्लस आयन हैं उतने ही माइनस आयन हो, तो ऐसे डिफेक्ट को हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है, मगर क्रिस्टल का जो प्लस और माइनस का रेशियो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी क्रिस्टल न्यूट्रल उदासीन नहीं रह जाता है, उसमें या तो प्लस आयन ज्यादा हो जाते हैं या माइनस आयन ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्रिस्टल में बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं, जिससे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो इन तीनों डिफेक्ट्स की अब हम स्टडी करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, जिसमें क्रिस्टल में प्लस और माइनस आयंस एक बराबर रहते हैं, यानी क्रिस्टल डिफेक्ट के बावजूद न्यूट्रल बना रहता है, ऐसे डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ये शॉर्टकी और फ्रैंकल ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, और ये दोनों डिफेक्ट आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मीन आप मान के चलिए कि 100% ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर हम शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें, हिंदी में शॉर्टकी दोष की बात करें, तो शॉर्टकी दोष वो दोष होता है जिसमें क्रिस्टल में से कोई एक आयन, बेसिकली धन आयन, अपने प्लेस से रिमूव हो जाए और उतना ही माइनस आयन भी, यानी कि एन आयन भी निकल जाए, जिससे क्रिस्टल में डिफेक्ट तो हो, यानी दोष पैदा हो जाए, मगर क्रिस्टल का प्लस और माइनस का जो अनुपात है वो एक बराबर बना रहे। जैसे NaCl के इस क्रिस्टल में हम देखते हैं कि Na के बाद Cl- है, फिर Na है, फिर यहाँ Cl- होना चाहिए, यानी यहाँ से एक ऋण आयन, इंग्लिश में एन आयन, अपने प्लेस से गायब है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl- के बाद यहाँ पर Na+ होना चाहिए, यानी एक धन आयन यानी कैट आयन भी अपने प्लेस से गायब है। इस तरह से इस NaCl के क्रिस्टल में डिफेक्ट तो हुआ है, मगर जितने माइनस गए हैं उतने ही प्लस गए हैं, जैसे इस क्रिस्टल में टोटल अब जितने प्लस बचे हुए हैं उतने ही माइनस बचे हुए हैं, यानी पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है। लेकिन फॉल्ट है इसमें, क्योंकि इसके प्लेस वैकेंट हैं, लेकिन जितने धन आयन निकले हैं उतने ही ऋण आयन यहां से गायब हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। ऐसे डिफेक्ट किसी क्रिस्टल को हीट करने पर, यानी गर्म करने पर पैदा होते हैं, इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट को हम हीट डिफेक्ट भी कहते हैं, हिंदी में गर्म करने पर क्रिस्टल में होने वाला दोष कहलाता है, जिसको हम ऊष्म दोष भी कहते हैं। ऐसा होने पर एक लॉस होता है। लॉस क्या होता है, एक क्रिस्टल में चूंकि वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह बन गए हैं, इसलिए इस क्रिस्टल में जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो घट जाती है, यानी क्रिस्टल को अगर हम दबाएं तो क्रिस्टल दब जाएगा, क्योंकि बीच में खाली प्लेस है। क्लियर। अब बात करते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट की। फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें क्रिस्टल में सारे एटम्स या सारे आयंस मौजूद रहते हैं, मगर कोई एक आयन अपने प्लेस से हट करके जो क्रिस्टल के अंदर खाली स्पेस होता है उसमें जाके बैठ जाता है, जिसको हम इंटरस्टीशियल स्पेस या हिंदी में अंतराकाशी स्थान कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के इस क्रिस्टल को अगर हम देखें, तो यहाँ से Ag+ के बाद Cl- है, फिर Ag+, फिर Cl- और फिर Cl-, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, Ag+। तो Ag+ अपने इस स्पेस से हट करके क्रिस्टल में जो खाली स्पेस है, जिसको हम इंटरस्टीशियल स्पेस या अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, उसमें जा करके बैठ गया है। तो क्या हुआ, क्रिस्टल में एक डिफेक्ट तो आया कि एटम्स या आयंस जहां होने चाहिए वहां पर नहीं है, मगर क्रिस्टल में प्लस और माइनस का रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये Ag+ है तो क्रिस्टल में ही, इससे क्रिस्टल कैसा बना रहेगा, ये न्यूट्रल बना रहेगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम इंटरस्टीशियल डिफेक्ट भी, यानी हिंदी में अंतराकाशी दोष भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल होता है उसका प्लस माइनस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रह जाता, उदासीन नहीं रहता। तो ये दो प्रकार से होते हैं।
यानी एक होता है धातु अधिकता दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, जिसको हम बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो नाम से ही क्लियर है, मेटल एक्सेस यानी धातु अधिकता। ऐसे दोष में होता क्या होगा, हम इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है नहीं, हम आपको पैटर्न समझा देते हैं कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें कोई एक मेटल एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे यहां पर Na के बाद Cl- माइनस होना चाहिए और Cl- माइनस के बाद यहां Na प्लस होना चाहिए, लेकिन मान लो कि यहां पर मैग्नीशियम आ गया। आपको पता है कि मैग्नीशियम पर डबल प्लस चार्ज होता है, तो अब क्या हुआ, इस क्रिस्टल में एक प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। क्यों एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि सोडियम के प्लेस पर मैग्नीशियम आ गया और जिस पर डबल प्लस चार्ज होता है। तो इस क्रिस्टल में क्या हुई, धातु की अधिकता हो गई। धातु क्यों, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है प्लस। तो जब भी किसी क्रिस्टल में बाहर से कोई एक्स्ट्रा या कोई भी ऐसा मेटल इंक्रीज हो जाए जिसमें चार्ज प्लस ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस क्रिस्टल का स्टोइकोमेट्रिक डिस्टर्ब हो गया, यानी प्लस माइनस का अनुपात एक बराबर नहीं रह गया, इसलिए क्या हुआ, धातु अधिकता, एक प्लस चार्ज यहां पर एक्स्ट्रा है। अगर हम धातु न्यूनता की बात करें तो नाम से क्लियर हो रहा है, डिफिशियंसी यानी कमी। इसमें क्या होगा कि इस क्रिस्टल से कोई प्लस या कोई माइनस कम पड़ जाएगा और क्रिस्टल का स्टोइकोमेट्रिक यानी धन और ऋण आवेश का अनुपात डिस्टर्ब हो जाएगा और क्रिस्टल उदासीन यानी न्यूट्रल नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि Cl- के बाद यहाँ Ag+ आना चाहिए और Ag+ यहाँ से गायब है, इसलिए इस क्रिस्टल में प्लस और माइनस का रेशियो एक बराबर नहीं है, इनमें प्लस कम है और माइनस ज्यादा है, इसीलिए कम का मतलब धातु न्यूनता दोष। अब डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि लास्ट डिफेक्ट है। तो इम्प्योरिटी का मतलब ही होता है अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसमें उसके घटक कणों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा मेटल उसके अंदर मिला हुआ हो। सरल भाषा में जैसे NaCl क्रिस्टल है, तो NaCl क्रिस्टल सोडियम और क्लोरीन आयन से बना होता है। अब इसके अंदर कोई और भी आयन चला आए, पोटेशियम चला आए, मैग्नीशियम चला आए, तो ये क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई, क्योंकि वो था क्या, वो NaCl था और उसमें Mg या ये सब एलिमेंट्स क्या हैं, इम्प्योरिटी हैं। तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसमें बाहर से कोई भी अशुद्धि के रूप में इम्प्योरिटी के फॉर्म में कोई मेटल मिला होता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे डिफेक्ट किए जाते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी यानी हिंदी में विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्रिस्टल के डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे कि किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या है, कैसे होता है, डिफेक्ट होने से उसकी प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ता है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपको लगता है कि ये किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, तो इसे अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को या अन्य विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे मेरे वीडियो उन तक तुरंत पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।